आ सकती हो। तुम कौन हो? यहाँ से जाओ, यहाँ बहुत बीमारी है बेटा, जाओ यहाँ से। तुम आप डॉक्टर हैं? मुझे डॉक्टर से मिलना है। मेरे बाबा उठ नहीं रहे, उनको बुखार है। बाबा आवाज देते हैं लेकिन आंखें नहीं खुल रही। धीरे बोलो। मेरे बाबा इनकी तरह एडवांस में पैसा ले लेना चाहिए था पहना। वैसे तनाव से बचने के लिए तुमने जगह बड़ी कमाल की चुनी है बैनो। तनाव से बचने के लिए काफी नहीं है। तो फिर क्या है? योगा? तुम मुझे शहर के बाहर तक ले आई, स्मार्ट लड़की। लगता है पूरा इलाका घिरा हुआ है, क्यों? नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और तुम्हारी नन्ही दोस्त इतनी कम उम्र में जासूस बन गई? मैं भी थी। कौन हो तुम? नताशा रोमनोफ। तो मुझे यहाँ मारने तो नहीं आई मिस रोमनोफ, क्योंकि इससे किसी का फायदा तो होने वाला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बैनर, मैं शील्ड की ओर से आई हूँ। शील्ड एजेंसी? मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें खोया ही कब था डॉक्टर? बस दूरी बनाकर रखी थी हमने, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी भनक तक नहीं लगने दी। क्यों? निक फ्योरी तुम पर भरोसा करते हैं, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ। और अगर मैं ना कहूं तो? तो मैं तुम्हें मना लूंगी। और अगर वो राक्षस ना करते तो? बिना किसी वारदात के 2 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता तुम इस सिलसिले को तोड़ना चाहोगे। वैसे जो मैं चाहूं वो मुझे हर बार नहीं मिलता। डॉक्टर, हमारी दुनिया पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। खैर, उससे तो मैं दूर ही रहना चाहूंगा। ये टेसरैक्ट क्यूब है, इसकी ऊर्जा में पूरे ग्रह का विनाश करने की शक्ति है। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहता है, इसे निगल जाऊं? वे चाहते हैं तुम इसे ढूंढो। ये चोरी हो गया है, इसमें से गामा किरणें निकलती हैं, पर इतनी हल्की कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। और कोई नहीं है जो गामा रेडिएशन को तुम्हारे जितना जानता है। अगर होता तो मैं उसके पास जाती। तो फ्यूरी राक्षस के पीछे नहीं है? इस बारे में मुझे नहीं बताया। क्या वो तुम्हें सब कुछ बताते हैं? इस मिशन के बारे में फ्यूरी से बात करो। क्यों, मुझे पिंजरे में डालना चाहता है? तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं। झूठ मत बोलो। I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस देखना चाहता था तुम क्या करती हो। तो क्यों ना हम थोड़ा धीरज बरते, जहां तुम इसे इस्तेमाल ना करो और वो राक्षस गुस्से में आकर मारधाड़ ना करे, ठीक है नताशा? हथियार नीचे कर दो। यह सब कुछ ठीक है। सिर्फ तुम और मैं?